जैसा आपको पता है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों का विशेष स्थान और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जनजातियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं और समाज सुधारक रहे, जिनको जनजातीय समुदायों एवं देशभर के श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। और देश भर में जिस मान सम्मान, जिस श्रद्धा के साथ उनको याद किया जाता है, उस भावना और इनके आज़ादी की लड़ाई में योगदान को देखते हुए भी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार 15 नवंबर से 22 नवंबर तक जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों, संस्कृति और आज़ादी की लड़ाई में उनकी योगदान की महत्ता पर एक सप्ताह पूरा 15 से 22 नवंबर तक एक सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। जैसे आपको ज्ञात है, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हम मना रहे हैं और आइकॉनिक वीक जो होगा, ये आइकॉनिक वीक 15 से 22 नवंबर का जनजातीय गौरव दिवस जो हमने 15 नवंबर को घोषित किया है, उससे एक हफ्ते तक ये चलने वाला है। ये उनके गौरवशाली इतिहास, उपलब्धियों, संस्कृति के बारे में होगा।